एक ऐसा प्रोसीजर बताएंगे, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। ये एक्चुअली पेशेंट जो है इनको पूरी की पूरी लेग के अंदर पेन जाता था और इनके L4 L5 का जो मणका होता है रीढ़ की हड्डी में जो पिछली साइड में, वहाँ पे जब दबाव पड़ जाता है तो जो कंप्रेशन आता है उस कंप्रेशन की वजह से ही यहाँ हमारे कुल्ले से होती हुई हड्डी और पैर के पंजे तक जाती है दोस्तों ऐसे। तो उसके अंदर हमारे आयुर्वेदा के अंदर ये एक रक्त मोक्षण प्रोसीजर है जो मैंने इसमें करके दिखा रखा है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो पित्त बढ़ जाता है रक्त के अंदर, आयुर्वेद ये भी कहता है कि पित्त का जो रेचन होता है वो रक्त मोक्षण के द्वारा होता है। तो जो रक्त का, रक्त से जो पित्त है वो हम इसके अंदर, हमने इस पूरी की पूरी लेग को बांध दिया है और बांधने के बाद हमने यहाँ से, अब ये देखिए नीचे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे ये ब्लड निकलना स्टार्ट हो रहा है इनका, देखिए ये निकल रहा है इधर। और इस तरह से करके पेशेंट के जब ये ब्लड निकल जाता है, यही आंटी हमारे पास यमुनानगर से आए थे और ये एक साल पहले आए थे हमारे पास, और इनके यहाँ पे पूरा का पूरा कमर में और कुल्ले में दर्द रहता था। अब पहले तो इन्हीं से पूछेंगे कि हाँ भी इनको आराम आया है, तभी एक साल के बाद दोबारा मेरे पास लौट कर आए हैं यहाँ पे करनाल में। तो आंटी जी बताओ एक बार आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक साल पहले आराम आया मेरे को? नहीं, एक साल पहले जब आप आए थे तो कैसे? बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो आपने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देख के आप यहाँ पे यमुनानगर से करनाल आए जी। उसके बाद एक साल पहले जो आपको समस्या थी उसमें जब आराम आया तो आपको लगा कि दोबारा मुझे इसकी सर्विसेज लेनी चाहिए, तो आप हमारे पास दोबारा आए? हाँ जी, दोबारा आई। और अभी दोस्तों इनको मैं एक और बताऊंगा, इनको मैंने अग्निकर्मा भी एक बार किया है। एक बार इधर आगे, इधर आना, यहाँ पे मैंने अग्निकर्मा के भी इनको थोड़े ना, ये देखिए अगर मैं दिखाऊं, मैंने अग्निकर्मा के भी स्पोर्ट लगाए हैं इनके कमर में यहाँ बैक साइड पे। अभी थोड़ा सा एक्चुअली वो हमने जो ये रस्सी बांधी हुई है उसकी वजह से हम शो नहीं कर पा रहे। यहाँ अग्निकर्मा के अंकल जी दिखा सकते हैं, अंकल जी आप दिखाओ अपना गोड्डा। अंकल जी भी इनके साथ, इनके हस्बैंड हैं, ये भी आए हैं। देखो इनके भी गोड्डों के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजिंग थे जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अग्निकर्मा के पूरे कंप्लीट सारे गोड्डों में इनके वो हमने अग्निकर्मा के स्पोर्ट लगाए हैं, दोनों गोड्डों के अंदर लगाए हैं और इनके बैक पे भी लगाए हैं। इनके इनके भी कमर में भी दिक्कत थी और इनकी भी हमने रस्सी बांध कर इनके भी रक्त मोक्षण भी किया है अभी शरीर में। और रक्त मोक्षण करने के बाद अंकल जी का भी रिव्यू लेंगे। पहले अब आंटी जी से ये पूछते हैं कि जब इन्होंने हमारे यहाँ पे अग्निकर्मा करवाया और साथ में ये रक्त मोक्षण करवा रहे हैं तो अब कैसा फील हो रहा है? आंटी जी सच सच बताना, क्योंकि ऑडियंस को हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सच्चाई पता लगे। हमने कुछ भी यहाँ पे झूठ फरेब का कोई भी सिस्टम नहीं बनाना। आप सही से हल्का महसूस हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कोई अभी फिलहाल कोई दवाई नहीं दी, कोई टिक्का नहीं लगाया और मैं इनको दवाई और टिक्का दूंगा भी नहीं, क्योंकि इनको सारी दवाइयाँ सूट होती भी नहीं आंटी जी को। इन ये मेरे पास सिर्फ ये दोनों प्रोसीजर ही करवाने के लिए आए थे, एक तो अग्निकर्मा और एक ये जो अग्निकर्मा। अब थोड़ा सा इधर अगर हम बात करें अंकल जी से भी थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़े समझदार व्यक्ति हैं और अपने टाइम के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और ये भी आपको कुछ गाइड करेंगे दोस्तों, एक बार इनसे भी जानते हैं कि भी बताओ अंकल जी आप। हाँ जी, लास्ट टाइम मेरे दोनों घुटनों में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और लगभग एक साल पहले हम यहाँ आए थे जब इन्होंने, ये डॉक्टर साहब ने रक्त मोक्षण का ट्रीटमेंट दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ था। अब दोबारा से, अब ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो दोबारा फिर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं दोबारा फिर इसीलिए आया इनके पास ताकि मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। और अभी मैं 10 मिनट पहले अभी इन्होंने जो जो किया है तो उससे मेरे को काफ़ी आराम महसूस हो। ये दिक्कतें होने का मेन कारण क्या होता है दोस्तों, जब हम अपनी भाग दौड़ की लाइफ में जब हम होते हैं तो उससे क्या होता है कि भी हमारा जो आम रूटीन में हम क्या करते हैं, जैसे जिस टाइम खून गर्म होता है उस टाइम हमें पता नहीं लगता कि भी हमें भाई क्या दिक्कत हुई। एकदम मरीज ने कोई भी मरीज क्या, मैं कोई भी आदमी की बात करता हूँ, एकदम झटका लेके हमने कोई सिलेंडर उठा लिया, कोई और हाउस होल्ड कोई भी वर्क है, पोचा लगाते हुए एकदम हमने फटाफट सोचा कि पोचा लगा लें या झाड़ू लगाते हुए। एक दूसरा एजिंग फैक्टर, एजिंग फैक्टर से क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो स्टेम होती है दोस्तों वो धीरे 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 बेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब इसके अंदर मैं एक बार दिखाऊंगा अभी, क्योंकि हर चीज़ को दोस्तों जब तक हम समझाएंगे नहीं बताएंगे नहीं तब तक उसको पेशेंट को समझ नहीं आती है। देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये हमारा सर्वाइकल की वर्टिब्रा है, ये थोरॉसिक के हैं, ये लंबर के हैं, ये सैक्रम के हैं और ये कोक्सीजल हैं। ये कोक्सीजल जो होती है ये हिप के जहाँ पे हमारा हमारे ये लगा लो हिप जॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ तक जाती है ये। इनको आंटी जी को L4 L5 यानी यहाँ और यहाँ यहाँ दबाव है, ऐसे ही उन अंकल जी को भी L4 L5 के अंदर यहाँ मणकों में दबाव है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जैसे ये यहाँ अगर ये इस तरह से बात करें, अभी हम ये सोचें कि उस आदमी का ऊपर से फ्लैश हमने हटा लिया तो नीचे ये हड्डी का ढांचा है इस तरह से हमारे शरीर के अंदर,
और जब ये L4 L5 का जब मणके के ऊपर दबाव पड़ता है तो हमारी शाटिक का की जो रग है वो यहाँ से जाती है और ये कुल्ले की हड्डी से होती हुई हमारी फीमर बोन यानी जो हमारी सांतल की हड्डी है वहाँ से हमारे गोड्डे से होती हुई पैर के पंजे तक आती है और जब ये पैर के पंजे तक आती है तो ये यहाँ से यहाँ तक जो मरीज होता है उसको दबाव महसूस कराती है, उसको ऐसे लगता है जैसे झन्नाटा आ रहा हो और उसको पेन होता है। तो हम इन दोनों प्रोसीजर के अंदर हम यहाँ पे अग्निकर्मा के स्पॉट लगाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट था हमारा, इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर हमने ये अग्निकर्मा का हमारा औजार होता है, इस अग्निकर्मा से हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को अग्निकर्मा के लगाए और उसके बाद में हम हल्दी का और यष्टि मधु का उसके ऊपर स्क्रैबिंग कर देते हैं जिससे पेशेंट को किसी तरह का इन्फ्लेमेशन ना हो, किसी तरह का सेप्टिक ना हो। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई ये हम यहाँ पे हमारे करनाल में जो सेंटर है मानव केयर आयुर्वेदा 70153 87181 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, दयाल सिंह स्कूल के सामने दयाल सिंह कॉलोनी में हमारा सेंटर है ये करनाल में। तो ये देखिए अब अगर हम इसको दिखाएं अभी आपको, ये देखिए दोस्तों ये खून के किस तरह से इकट्ठे हुए क्लॉट टाइप के देखिए ये निकले हैं इनके इस पैर में से। और अभी जैसे अभी मैं आपके आगे ही इनका ये खोलता हूँ और खोलने के बाद आप लोगों को इन्हीं से पूछ के बताएंगे कि इनको कितना इससे रिलीफ मिला। एक बार आप कुर्सी दिखा रहा हूँ, पेशेंट को हमने कुर्सी भी बिठा लिया है, बिठाने के बाद अब इन्हीं से पूछेंगे कि हाँ भाई इनको कितना परसेंट अब इसमें रिलीफ है। पेशेंट को अगर आराम है तो अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि भी हाँ भाई एक पकड़ना है इसको कि पेशेंट अपने आप ही रिलीफ महसूस करता है तो एक बहुत बढ़िया बात होती है कि भी हमने बिना किसी दवाई पानी के उसको खाली सेके और उससे ही ठीक करके भेजा। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों जब रिपीटिशन में एक पेशेंट आता है चलकर तो उसके बाद उसको आराम आ रहा होता है तभी वो आता है। तो आप लोग भी अगर आपको कोई इस तरह की कोई अगर समस्या लगती है तो आप हमारे करनाल में मानव केयर में आ सकते हैं और इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं जैसे कि ये लोग उठा रहे हैं। और मैं बल्कि इन भैया से भी बात कराना चाहूँगा, ये बड़े इनिशिएटिव लेके आए थे, एक बार इनका भी दो आप जी। ये जो प्रोसीजर किया है डॉक्टर साहब ने, हम लास्ट ईयर में अपनी मदर और फादर को लेके आया था, बहुत तकलीफ में थे लेकिन ये बहुत तेज़ी से आराम आता है। जितनी देर में हम यहाँ बैठे हैं उनको दोनों को ही अब आराम आया है। लास्ट ईयर भी ये हुआ था और काफ़ी अच्छा समय निकाल दिया दोनों ने, लेकिन अब सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो दोबारा दोनों को ये दिक्कत आने लगी। मैं आज फिर लेकर आया हूँ यमुनानगर से यहाँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये, इसमें कोई ज़्यादा घबराहट वाली बात भी नहीं है और आपके सामने है सब कुछ डॉक्टर साहब कर रहे हैं। ये ब्लड जो बिल्कुल ब्लैक कलर का निकला है आप दिखाइए, इस यही क्लॉट होता है नसों में और तभी जाकर के मेरे हिसाब से दिक्कत आती है। एक मिनट अपना ये उधर से उधर चल के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों अभी हमने इनका किया था और खोल दिया, अब खोलने के बाद अब ये देखो पेशेंट खुद चल के दिखा रहा है। दोबारा आ जाओ वापिस आंटी जी, और उसके बाद दोबारा फिर वापिस एक बार जाएं और फिर एक बार बताएं कि भी कितना आपको लाभ है। मैं आपको खुद सर्दियों में क्यों होते हैं ये दिखते हैं जो सर्दी में, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि इनको पिछली सर्दी में हुआ था, हमने ये करवाया और इस सर्दी में दोबारा होता क्या है दोस्तों कि भी सर्दियां जैसे शुरू होती हैं हमारे जब चमड़ी के अंदर संकोचन आ जाता है, सिकुड़न आ जाती है तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो वेन्स भी हमारी सिकुड़ जाती हैं और इसी वजह से ये समस्याएं सर्दी के अंदर ज्यादा जैसे ही शुरुआत होती है तो आ जाती हैं। बताओ आंटी जी अब कैसा महसूस कर रहे हैं? जी मैं ठीक महसूस कर रही। चलो जी ये देखिए दोस्तों ये आंटी जी बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। हमारा देखिए कोई किसी तरह का वो नहीं है कि हमने फालतू की रिकॉर्डेड चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशेंट आपके आगे लाइव है, जो प्रोसीजर करा वो भी आपके आगे लाइव करके दिखाया। पेशेंट यमुनानगर से हैं, जो यमुनानगर के लोग हैं वो देख भी सकते हैं, यमुनानगर में लोग आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा कोई भी किसी तरह का हमारा कोई फंडा नहीं है कि हम यहाँ फालतू की चीज़ें वो दिखाते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आम जन हमारी इन फैसिलिटीज़ को लेकर स्वस्थ होए ताकि स्वस्थ भारत हो। जय आयुर्वेदा जय भारत। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।